लेबनान में प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हो गई। प्रदर्शनकारियों को काबू में करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी की। तस्वीरें आपके सामने। बिगड़े आर्थिक हालात पर सरकार को घेरने के लिए लंबे समय से यहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। लेबनान में अक्टूबर महीने से प्रदर्शन जारी है। आतंकियों के साथ गिरफ्तार हुए जम्मू कश्मीर के बर्खास्त डीएसपी देवेंद्र सिंह पर पल पल नए खुलासे हो रहे हैं। पूरे नेटवर्क की जड़ तक पहुंचने के लिए अब एनआईए इस पूरे मामले की जांच करेगी। देवेंद्र सिंह जिन आतंकियों को ले जा रहा था उनका प्लान क्या था? आतंकियों ने देवेंद्र सिंह को जो 12 लाख रुपए दिए वो कहां से आए? क्या देवेंद्र सिंह पहले भी आतंकियों की मदद का जरिया बना है, जिसकी तलाश जम्मू कश्मीर पुलिस और एनआईए को है? इन सवालों का पीछा करते हुए ही बुधवार को देवेंद्र सिंह के श्रीनगर स्थित घर पर छापा मारा गया। घर से 15वीं कोर का नक्शा और 7.5 लाख कैश बरामद मिला। इसके अलावा भारी मात्रा में हथियार भी जब्त किए गए। सिर्फ देवेंद्र सिंह ही नहीं, उसके रिश्तेदार और दोस्त भी रडार पर हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक अनुच्छेद 370 हटने के बाद से घाटी में आतंकी लोगों से पैसा वसूली कर रहे हैं। देवेंद्र सिंह को दिए गए 12 लाख रुपए भी इसका हिस्सा हो सकते हैं। के फॉलोअप में हम लोग जगह जगह पर हम लोगों ने ऑपरेशन जरूर लॉन्च करने की कोशिश करी। नवीद बाबू की जो हाइडआउट्स थी और जो उसके इनपुट्स थे उसके मुताबिक हमने 5 ऑपरेशन लॉन्च किए थे और एक दो जगह पे हमें हाइडआउट मिले। उन हाइडआउट को हम लोगों ने स्मैश किया, तबाह किया। अगर उसके अलावा कोई टेररिस्ट उन हाइडआउट्स के अंदर नहीं मिला है। और भी लीड जो हमें मिलेंगी उसके मुताबिक काम करेंगे। उसके मुताबिक बाद हमने इनके घर की सर्च करी, घर से जो चीज़ें इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल वगैरह था बाकी चीज़ें सब पकड़ी हैं। मगर तफ्तीश की क्या प्रोग्रेस है, कितना है, वो अभी क्योंकि तफ्तीश चल रही है। देवेंद्र और उसके साथ गिरफ्तार हिजबुल मुजाहिदीन के दो आतंकी नावेद बाबू और आसिफ अहमद से लगातार पूछताछ में भी नए खुलासे हो रहे हैं। पुलिस ने 5 अलग अलग ऑपरेशन चलाकर आतंकियों के हथियार छिपाने के ठिकानों को नष्ट किया है। नावेद से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि घाटी के कई आतंकियों ने निचले इलाके में अपना बेस बना लिया है। ये आतंकी शॉल और ड्राई फ्रूट बेचने के बहाने लगातार पंजाब और चंडीगढ़ आ जा रहे हैं। देवेंद्र सिंह के भी पंजाब चंडीगढ़ कनेक्शन की जाँच हो रही है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र सिंह दोनों आतंकियों को चंडीगढ़ ही छोड़ने वाला था, जहाँ से कुछ और आतंकियों के साथ दिल्ली जाने का प्लान। जांच एजेंसियां आतंकियों के खालिस्तान कनेक्शन के तार भी तलाश कर रही है। आतंकी फंडिंग, हथियारों का जखीरा और आतंकियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के पूरे गठजोड़ को बेनकाब किया जा रहा है। देवेंद्र सिंह को जम्मू कश्मीर पुलिस ने बर्खास्त कर दिया है। 2018 में उन्हें राज्य सरकार की तरफ से मिले बहादुरी मेडल भी वापस लेने की सिफारिश कर दी गई है। संसद हमले में भी क्या देवेंद्र सिंह की कोई भूमिका थी, इसकी भी जांच हो सकती है। चंडीगढ़ से मंजीत सहगल के साथ श्रीनगर से अशरफ वानी। आज मंजीत सहगल हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। मंजीत, ये जानकारी मिल रही है कि ये हैंडलर का काम करते थे देवेंद्र सिंह, कई आतंकियों को इन्होंने इधर से उधर पहुंचाया, चंडीगढ़ भी ले गए, दिल्ली लाने की भी बात थी। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब तमाम सबूत अब इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस तरह से उनका इन्वॉल्वमेंट था, आगे किस तरह की बड़ी प्लानिंग की साजिश थी? क्योंकि मैप पाया गया है, आतंकियों को किस तरह की जानकारी अब तक मिल चुकी है, इस पर एक संशय बना हुआ है। जी नेहा, जैसे जैसे जिस मामले की जो जांच है वो आगे बढ़ रही है, उसकी परत दर परत खुल रही है। ताजा जानकारी में यह सामने आया है कि जम्मू कश्मीर पुलिस खासकर दक्षिण कश्मीर के कई हिस्सों में रेड्स कर रही है और इस रेड के दौरान कई आपत्तिजनक दस्तावेज भी मिले हैं। ये कल जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह ने भी कहा था, लेकिन उन्होंने शायद ये नहीं कहा था कि इन दस्तावेजों में 15 कॉप्स का लोकेशन मैप भी शामिल है। और सुरक्षा एजेंसियों को ये शक है कि देवेंद्र सिंह और उसके साथ जुड़े आतंकवादियों ने ये जो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है ये पाकिस्तान में बैठे हुए आतंक के आकाओं या और फिर हिजबुल मुजाहिदीन के उग्रवादियों के साथ ना साझा की हो। तो ये बहुत बड़ा मामला है। देवेंद्र सिंह न केवल आतंकवादियों को इधर उधर ले जाने में और उनको हथियार मुहैया करवाने में ही शामिल था, बल्कि अब एक बहुत बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है जिसमें देश से जुड़ी सुरक्षा भी शामिल है। नेहा,
बहुत बहुत शुक्रिया मंजीत इस तमाम जानकारी के लिए आपका। मंजीत सहगल हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे किस तरह से साजिश के तार अब जुड़ते जा रहे हैं और इसी को लेकर अब एहतियातन कदम भी उठाने की जरूरत है और यही कदम अब उठाए भी गए हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरह से 22 जनवरी को निर्भया को इंसाफ मिलने की उम्मीद धुंधली होती दिख रही है क्योंकि चार दोषियों को फांसी की तारीख बढ़ाई उनकी आगे जा सकती है क्योंकि आज पटियाला हाउस कोर्ट में दोषी मुकेश की याचिका पर सुनवाई होगी, इसी के बाद फांसी पर फैसला लिया जाएगा। क्या 22 जनवरी को नहीं होगी निर्भया के दोषियों को फांसी? निर्भया को इंसाफ के लिए तारीख पर तारीख कब तक? एक नई तारीख का इंतजार कीजिए। तिहाड़ में जो फांसी का फंदा निर्भया के दोषियों की राह देख रहा है उसे और सब्र करना पड़ सकता है। फांसी से बचने के लिए निर्भया के एक दोषी मुकेश ने जो दया याचिका राष्ट्रपति के सामने दी है उससे चारों दोषियों की फांसी की तारीख आगे बढ़ सकती है। दया याचिका के आधार पर फांसी की तारीख को आगे बढ़ाने के लिए मुकेश के वकील बुधवार को दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने याचिका को पटियाला हाउस कोर्ट में दाखिल करने को कहा। पटियाला हाउस कोर्ट ने मुकेश की अर्जी पर दिल्ली सरकार और निर्भया के माता पिता को नोटिस जारी किया है, आज सुनवाई होगी। इससे पहले दिल्ली हाईकोर्ट ने मुकेश की याचिका पर बहस के दौरान दिल्ली सरकार और जेल प्रशासन को जमकर फटकार लगाई थी। दरअसल नियमों का हवाला देकर कोर्ट के सामने ये कहा गया कि जब तक चारों दोषियों की दया याचिका खारिज नहीं हो जाती तब तक फांसी नहीं हो सकती। ऐसे नियम पर दिल्ली हाईकोर्ट ने नाराजगी जताई, कड़े शब्दों में कहा कि पूरा तंत्र कैंसर से ग्रस्त है। समस्या ये है कि लोग सिस्टम में विश्वास खो देंगे, चीजें सही दिशा में नहीं जा रही, आपके नियम ठीक नहीं है, इसे बनाते वक्त किसी ने दिमाग नहीं लगाया। अब वो समय आ गया है कि सरकार जवाब दे, समाज को जवाब दे कि उन्होंने क्या कानून बनाया है कि क्राइम करना है तो एक बच्ची के साथ 10 लोग क्राइम करेंगे, लेकिन उनको अगर उनको अपील करनी है तो एक एक करेंगे लेकिन कोई कुछ नहीं बोलेगा, तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम खराब है। पटियाला हाउस कोर्ट ने 22 जनवरी को सुबह 7 बजे चारों दोषियों को फांसी पर चढ़ाने का डेथ वारंट जारी किया है, लेकिन अब लगता है कि इंसाफ के लिए और इंतजार करना होगा। अनिशा माथुर, दिल्ली आज तक। शिवसेना सांसद संजय राउत ने एक हैरान करने वाला खुलासा किया है, ऐसा खुलासा जिससे महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना गठबंधन में दरार पड़ सकती है। राउत ने अंडरवर्ल्ड के सफाए की चर्चा करते हुए कहा कि एक वक्त वो था जब पूर्व पीएम इंदिरा गांधी अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने आती थी, जिन्होंने एक पत्रकार और शिवसेना के नेता के रूप में अंडरवर्ल्ड की कई हकीकत को देखने का दावा किया। सुनिए संजय राउत का पहला सनसनीखेज खुलासा। अब करीम लाला होता त्याला भेटायला इंदिरा गांधी जायच्या पायधुणीला, हे अंडरवर्ल्ड आम्ही पाहिलंय, हे आता काही नाही, आता किरकोळ लोक आहे। काँग्रेस के साथ सरकार चलाने वाली शिवसेना के संजय राउत इंदिरा गांधी पर बड़ा खुलासा कर रहे हैं। खुलासा ये कि इंदिरा गांधी मुंबई के तब के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला से मिलने आती थी। आप सोचेंगे कि भला देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी एक डॉन से क्यों मिलेंगी और ये डॉन करीम लाला कौन है? इसका जवाब भी आपको मिलेगा। पहले संजय राउत का दूसरा सनसनीखेज खुलासा सुनिए। जी तुम्ही आता नाव घेता है, मग तो दाऊद इब्राहिम असेल, बरं का छोटा शकील असेल, शरद शेट्टी होता, हे सगळे लोक ह्याच्या हातामध्ये मुंबई आणि आसपासचा भाग होता, ते ठरवायचे मुंबईत काय होणार, पोलीस कमिशनर कोण होणार, मंत्रालयात कोण बसणार, हाजी मस्तान जेव्हा मंत्रालयात जायचं तो अख्खं मंत्रालय त्याला घ्यायला खाली यायचं, मी पाहिलेलं। अंडरवर्ल्ड और सरकार के कनेक्शन पर संजय राउत बड़े खुलासे कर रहे हैं। उनका दावा है कि एक वक्त ऐसा भी था जब मंत्री से लेकर संतरी तक सब अंडरवर्ल्ड से तय होता था। ये दौर 1966 से 1989 के बीच का था। संजय राउत का ये भी दावा है कि वो दाऊद इब्राहिम तक को धमका चुके हैं। मी दाऊद इब्राहिम पासून सगळ्यांचे फोटो सेशन गेलेले, दाऊद इब्राहिमला पाहिलेले, त्याच्याशी बोललेले फार कमी लोक देशामध्ये, मी त्याला पाहिलेलं आहे, त्याच्याशी बोललो आहे अनेकदा, त्याला दम सुद्धा दिलाय बघा हे, पण तो काळ वेगळा होता। संजय राउत जिस डॉन करीम लाला और इंदिरा गांधी की मुलाकात की बात कर रहे हैं उसका पूरा नाम अब्दुल करीम शेर खान था। कहते हैं लंबे समय तक करीम लाला का मुंबई के अंडरवर्ल्ड पर राज चलता था। जानकार करीम लाला को ही मुंबई का पहला डॉन मानते हैं। 90 की उम्र में साल 2002 में साफ है कि इंदिरा गांधी और करीम लाला की मुलाकात से जुड़ा संजय राउत का खुलासा कांग्रेस के गले
आसानी से नहीं उतरेगा। संजय राउत का खुलासा गठबंधन की सेहत के लिए हानिकारक न बन जाए। पंकज खेलकर, पुणे आज तक। देश की माली हालत सुधारने के लिए बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने सरकार को एक नया आइडिया दिया है। स्वामी का यह कहना है कि सरकार करेंसी पर लक्ष्मी जी का फोटो छापे। सुब्रमण्यम स्वामी के पास अपनी दलील को मजबूत करने के लिए तर्कों की एक लंबी चौड़ी फेहरिस्त है। उन्होंने कहा कि आर्थिक हालात सुधारने के लिए नोट पर लक्ष्मी छापे, इससे आर्थिक हालात देश के बेहतर होंगे। फोटो छपने पर किसी को बुरा नहीं लगना चाहिए। तो ये तो नरेंद्र मोदी जवाब दे सकता है, मैं तो पक्ष में हूँ। मैं तो कहता हूँ लक्ष्मी का चित्र होना चाहिए, गणपति विघ्न को हटाने के लिए है, परंतु तो देश के करेंसी को सुधारने के लिए लक्ष्मी का फोटो करके हो सकता है और किसी को इसमें बुरा नहीं लगना चाहिए। मैं एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस में बैठा था तो मेरे बगल में, क्योंकि इंडिया इज आई से स्पेलिंग होती है तो इंडोनेशिया भी आई से होती है, तो बगल में बैठा था तो मैंने उसको पूछा कि हमारे देश में आप 10,000 रुपये नोट का यानी गणपति तो ये किस कारण से, तो उन्होंने कहा कि 1997 में एक फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी और हमारी जो एक्सचेंज रेट थी रुपया का वो गिरते गई, हमने सब प्रयास की इसको रोकने के लिए, रुका नहीं। और फिर जो बाली जो प्रांत है इंडोनेशिया का, जहाँ हिंदू रहते हैं आज भी, वहाँ के लोग आज भी हिंदू हैं, उस वहाँ से एक पंडित आकर कहा यदि आप एक 10,000 रुपये का नोट निकालेंगे उसमें गणेश को डालेंगे तो ये जो गिरावट है रुक जाएगी। तो उसने कहा कि हमने सब कुछ प्रयास करके फेल हो गए, तो हमने कहा कि इसको भी ट्राई करेंगे। तो उन्होंने 10,000 रुपये का नोट निकाला, उसमें गणेश की चित्र रखा और क्या हुआ, वो गिरना बंद हो गया। अर्थव्यवस्था पर यह था स्वामी का ज्ञान। बहरहाल दिल्ली के दंगल की बात करेंगे, जहां पर गुरुवार को सियासत जोरों पर रहने वाली है। आज बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी तीनों में चुनावी उठापटक तेज है। बीजेपी आज चुनावों को लेकर मंथन करने जा रही है, कांग्रेस अपने प्रत्याशियों का ऐलान कर सकती है। तो वहीं आम आदमी पार्टी में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज अपना नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। नागरिकता संशोधन कानून के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन से कश्मीर का क्या कनेक्शन है? प्रदर्शन में फ्री कश्मीर के पोस्टर और आजादी के नारों की वजह से यह सवाल पिछले कुछ समय से लगातार पूछा जा रहा है। अब जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष ने कहा कि बगैर कश्मीर को चर्चा में लाए हम ये लड़ाई नहीं जीत सकते। विरोध प्रदर्शन में फ्री कश्मीर के इन पोस्टरों का विवाद अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष आयशी घोष ने सीएए के खिलाफ जंग को कश्मीर से जोड़कर नए विवाद की पटकथा लिख दी। सुनिए आयशी ने क्या कहा। इस लड़ाई में कहीं ना कहीं हम कश्मीर को पीछा नहीं छोड़, पीछा और उनका बात नहीं भूल सकते। उनके साथ जो हो रहा है कहीं ना कहीं वहीं से इस सरकार ने शुरू किया था कि हमारे संविधान को कहीं ना कहीं हमसे छीना जाए। अपने बयान में कश्मीर का जिक्र कर आयशी घोष ने नए विवाद को चिंगारी दे दी है। आयशी घोष का कहना है कि कश्मीर से ही सरकार ने संविधान के उल्लंघन की शुरुआत की थी, इसलिए सीएए एनआरसी के खिलाफ लड़ाई के साथ कश्मीर के हक की लड़ाई भी लड़नी होगी। उनको रूठते हुए, उनको अलग करते हुए हम अपना आंदोलन को कभी नहीं जीत सकते। तो हर एक आंदोलन में कश्मीर के उन सारे तमाम साथियों को याद किया जाए जो आज भी अपने लड़ाई के लिए, अपने हक के लिए लड़ रहे हैं। आयशी के बयान पर घमासान होना तय है। दिल्ली से जारी आंदोलन में कश्मीर का तड़का लगाकर आयशी घोष ने विरोधियों को हमले का नया हथियार दे दिया है। बुधवार को आयशी घोष ने जामिया जाकर मोर्चा संभाला। बदले हालात में आज वो अपने साथियों के साथ जेएनयू में जारी आंदोलन पर फैसला लेंगी। आगे क्या होगा इस पर छात्र संघ बात करेगा। इसी बीच कल दिल्ली पुलिस ने 5 जनवरी को जेएनयू में हिंसा पर जेएनयू छात्र डोलन सामंत से पूछताछ की। 1 घंटे तक सवाल जवाब चले। जो स्टेटमेंट था कि 3 तारीख को मैं कहाँ थी, 4 तारीख को मैं कहाँ थी, 5 तारीख को क्या क्या हुआ, उसको लेके थोड़े क्वेश्चंस। मेरा जो वीडियो है, जो मेरा फोटो सर्कुलेट दिल्ली पुलिस ने किया, वो कहाँ का है और उस इंसिडेंट में क्या हुआ, इन्हीं सबको लेके क्वेश्चंस।
जेएनयू में फीस बढ़ोतरी से लेकर शुरू हुआ आंदोलन हिंसा और मारपीट के साथ कई विवादों में घिरा। ये आंदोलन कब तक चलेगा, इस पर आज फैसला होगा। दिल्ली से निखिल लखवानी के साथ अरविंद ओझा, आज तक। खबर उज्जैन से है, जहां पर कल जमकर हंगामा हुआ। नगर निगम और पुलिस का दस्ता उज्जैन के नानाखेड़ा इलाके में अतिक्रमण हटाने गया था, लेकिन वहां लोग भड़क गए और पुलिस पर पथराव किया। क्या कमाल का बीमर है, लंबा रनअप और फिर गोली की रफ्तार से छूटती। ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों से पिट रही टीम इंडिया के गेंदबाज बरेली के इस पुलिस वाले से प्रेरणा ले सकते हैं, लेकिन यहां सिर्फ पुलिस वाले कहां, उज्जैन की ये पूरी सड़क जंग का मैदान बन गई। एक तरफ है पुलिस की टीम और दूसरी तरफ स्थानीय लोग, एक दूसरे पर ईंट फेंकी जा रही है, डंडे भी बरसाए जा रहे हैं। जिसके हाथ में जो आ रहा वही दूसरे खेमे पर फेंक रहा है। पूरा हंगामा बरपा है अवैध अतिक्रमण हटाने की वजह से। बताया जाता है कि नगर निगम और पुलिस की टीम उज्जैन नानाखेड़ा थाना क्षेत्र के त्रिवेणी स्थित सेतु निगम की जमीन पर बनी अवैध कॉलोनी खाली कराने गई थी। अतिक्रमण हटाओ दस्ते ने कई निर्माणों को जेसीबी मशीन से तोड़ दिया। उसी दौरान वहां रह रहे लोग उग्र हो गए और पुलिस पर ईंट पत्थर से हमला करने लगे, जिसका पुलिस ने भी भरपूर जवाब दिया। इस पथराव में पुलिस की दो गाड़ियों और जेसीबी मशीनों को खासा नुकसान पहुंचा है। जब कार्रवाई शुरू हो चुकी थी, उसके एक घंटे बाद जो है कुछ लोगों ने इसमें पथराव किया और कार्य में बाधा पहुंचाई। उन लोगों के वहां से खदेड़ के उनको हटाया गया। कुछ जो जेसीबी हैं और कुछ गाड़ियां हैं उनमें तोड़फोड़ की। और तलब है कि जमीन खाली कराने का आदेश हाई कोर्ट का है और कोर्ट ने 17 जनवरी तक जमीन खाली कराने का आदेश दिया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस बवाल के बाद नगर निगम और पुलिस की टीम क्या एक्शन लेती है। संदीप कुलश्रेष्ठ, उज्जैन, आज तक। टिकटॉक वीडियो का शौक एक छात्र के लिए मौत का सबब बन गया। यह घटना यूपी के बरेली की है। रिवॉल्वर के साथ टिकटॉक वीडियो बनाते वक्त गोली लगने से छात्र की मौत हो गई। आए दिन हम देखते सुनते रहते हैं कि सोशल मीडिया में छाने का जुनून कई युवाओं को काल की गाल में ले जा रहा है, लेकिन इसकी दीवानगी ऐसी कि जाती नहीं। बरेली में एक ऐसा ही दर्दनाक वाकया हुआ, जहां टिकटॉक वीडियो के चक्कर में एक युवक की जान चली गई। ये बरेली के हाफिजगंज में रहने वाले छात्र किशोर की तस्वीर है। बताया जाता है कि किशोर को टिकटॉक वीडियो बनाने की जबरदस्त दीवानगी थी। कल सुबह टिकटॉक बनाने के लिए उसने माँ से सेना में तैनात अपने पिता का लाइसेंस रिवॉल्वर लिया था। बताया जाता है कि रिवॉल्वर कनपट्टी पर लगाकर वो वीडियो बनाने लगा, अचानक ट्रिगर दब गया और कनपट्टी में गोली लगने से छात्र की मौत हो गई। टिकटॉक वीडियो बना रहा था, अब गोली एक्सीडेंटल चली या कैसे हुई ये जांच का विषय, जांच प्रचलित है। सेल्फी, प्रोफाइल पिक्चर, व्हाट्सएप स्टेटस, टिकटॉक वीडियो, इन चीजों का शौक अपनी जगह है, लेकिन दीवानगी ऐसी भी ना हो कि जानलेवा बन जाए। कृष्ण गोपाल, बरेली, आज तक। पहाड़ों पर चलेंगे क्योंकि वहां पर बर्फबारी का दौर लगातार जारी है। उत्तराखंड के लिए आज और कल बर्फीले तूफान का अलर्ट है। तूफान की ताकत से निपटने के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कश्मीर में भी ताजा बर्फबारी से पारा नीचे लुढ़क गया है। बर्फ से ढकी जमीन पर एक कदम भी गलत पड़ जाए तो मुसीबत है। इसी दिक्कत के बीच SDRF के जवान एक शख्स को रेस्क्यू कर स्ट्रेचर पर ले जा रहे हैं। इन तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मौसम की चुनौती से निपटना कितना मुश्किल है। जिस बर्फबारी के बीच खुद को बचाए रखने का संघर्ष है, उसी के साथ SDRF के ये जवान रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम देते हैं। मौसम कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, इन जवानों को जूझना और उसका सामना करना आता है। अगले दो दिन उत्तराखंड में SDRF के जवानों की अग्नि परीक्षा है, क्योंकि आज और कल उत्तराखंड में बर्फीले तूफान का अलर्ट है। सबसे ज्यादा खतरा सीमा से सटे ऊंचाई वाले इलाकों में है, जहां भारी बारिश की आशंका है। तेज बारिश पहले से जमी बर्फ को पिघला देगी, जिससे एवलांच का खतरा बढ़ सकता है। नियरेस्ट टीम हो। मौसम विभाग ने सीमा पर आर्मी कैंप के साथ आसपास के रहने वाले लोगों को सतर्क रहने को कहा। ये दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग की तस्वीरें हैं। दो दिन से जारी बर्फबारी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क पर बर्फ का कब्जा हो गया है। इन गाड़ियों की हालत देखिए, पूरी तरह बर्फ में ढकी है। बर्फबारी ने चक्का जाम कर दिया है। यहाँ की बिजली चली जाती है और हर हमको बर्फ ने बेहाल किया है। गवर्नमेंट ने कहा गैस होगा वो फूर, तेल वो फूर होगा, चावल वो फूर होगा,
कहीं कोई चीज नजर नहीं आता है हम लोगों को। पिछले तीन दिनों से जो बर्फबारी हुई उसने हमें सारा बेहाल कर दिया है और रोड्स पर ब्लॉक बिजली गुल हो गई है और नो एडमिशन आर विजिबल एट एनी कॉस्ट। तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश करते हैं कि वो जल्द जल्द रोड क्लियर करें और बिजली रिस्टोर करें। श्रीनगर की मन मोह देने वाली तस्वीरें देखने में जितनी खूबसूरत हैं, जमीन पर हालात उतने ही मुश्किल हैं। लगातार हो रही बर्फबारी की वजह से लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिल रहा। बुधवार को भी श्रीनगर में बर्फ की बारिश होने लगी। भारी बर्फबारी की वजह से सब कुछ सफेद चादर में ढक गया। देहरादून से दिलीप सिंह राठौर के साथ अनंतनाग से इकबाल सोफी आज तक। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। तस्वीरें उस वक्त की जब वो नामांकन दाखिल करने के लिए अपने तमाम समर्थकों के साथ मौजूद हैं। 8 फरवरी को दिल्ली में चुनाव गहमागहमी तेज है। आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसमें 15 पिछले बार के उम्मीदवारों को उन्होंने हटा दिया था। लेकिन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज देखिए लाल रंग के शॉल के साथ, फूलमाला के साथ अब अपना नामांकन दाखिल करने के लिए निकल रहे हैं। पटपड़गंज से उम्मीदवारों ने घोषित किया गया है और उनका दावा है कि जो पिछले 5 साल में केजरीवाल सरकार ने काम किया है वो दिल्ली की बेहतरी के लिए है, यहाँ के लोगों के लिए, चाहे वो मोहल्ला क्लिनिक हो उस पर काम किया गया है, सरकारी स्कूल है उसके लिए मनीष सिसोदिया ने काफी कुछ किया है। ये सभी दावे आम आदमी पार्टी की ओर से किए गए हैं। सफाई व्यवस्था और सड़कों को दुरुस्त रखने का काम, ये सब चीजें आम आदमी पार्टी ने बार बार कही हैं और अब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान। लेकिन पर्चा भरने के लिए मनीष सिसोदिया निकल चुके हैं। ये दरअसल उनके थोड़ी देर बाद वो अपना नामांकन दाखिल करेंगे। पटपड़गंज से उम्मीदवार घोषित किया गया है उन्हें और मनीष सिसोदिया का ये दावा है कि उन्होंने दिल्ली के लिए काफी काम किया है। ये देखिए आगे उनके तमाम आम आदमी पार्टी के समर्थक झंडे के साथ मौजूद हैं और मनीष सिसोदिया जिंदाबाद के नारे भी लगाए जा रहे हैं। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।